हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देशी क्रिएशन। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी डिजिटल वॉच है और आप उसमें अलार्म सेट करना चाहते हैं पर आवर का अलार्म, तो आप कैसे सेट करेंगे। और यदि पहले से ही सेट है और आप बीप बीप के साउंड से परेशान हैं, तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आप उस अलार्म को कैसे बंद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये मेन स्क्रीन है और अभी 11:15 हो रहे हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि अलार्म को कैसे ऑन या ऑफ़ करना है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगी। तो उसके लिए पहले ये मोड बटन आप देख पा रहे होंगे, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे AL, ये मतलब अलार्म अभी हम सेट कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे नीचे में 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। एक में लिखा हुआ है अलार्म, एक में है सिग्नल, एक में है स्नीज। ठीक है, अब हमको ये जो बॉक्स है इसमें ये जो ब्लैक डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें अलार्म ऑन है। तो इसको ऑफ कैसे करेंगे हम? हम यहाँ पे स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन को क्लिक किया, 00 पे आ गया। उसके बाद हम ये रीसेट बटन पे जाएंगे। रीसेट बटन पे गए, ये देख पा रहे हो ये डॉट, ब्लैक डॉट हट गया, इसका मतलब इसमें अलार्म ऑफ हो चुका है। यदि हम इसको फिर से ऑन करेंगे तो ये अलार्म ऑफ हो गया। ये पर आवर वाला अलार्म है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो हर घंटे बीप बीप का साउंड करता है, यदि आपको चाहिए तो ये ऑन है, और यदि नहीं चाहिए तो ये रीसेट बटन को अगेन मैंने क्लिक किया और ये ऑफ हो चुका है। उसके बाद हमको फिर से मेन स्क्रीन पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से ये जो मोड बटन है उसको फिर से क्लिक करेंगे। और ये देखिए, हम अपने मेन स्क्रीन पे आ गए और अब हो रहे हैं 11:16। तो ये थी आज की सेटिंग। थैंक यू।